आज हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज में पूछा गया 2019 का क्वेश्चन पेपर जो कि 7 मई 2019 को हुआ था। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ने जेड को शूट किया इस इंटेंशन से कि वो जेड को मारना चाहता है, जिसके कॉन्सिक्वेंस ये हुए कि जेड मर गया। तो ए गिल्टी होगा इस केस में मर्डर के लिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन वन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए काउंटरफीट क्वाइंस को इंडिया में इंपोर्ट करता है और फिर इंडिया से एक्सपोर्ट करता है, ये जानते हुए कि जिन क्वाइंस को वो एक जगह से दूसरी जगह पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है वो काउंटरफीट क्वाइन है। तो यहाँ पे ए किस सेक्शन में गिल्टी होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर, सेक्शन 237 में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्सन जो कि लीगली बाउंड है किसी ऑफेंस की इंफॉर्मेशन देने के लिए, और अगर वो इस इंफॉर्मेशन को इंटेंशनली ऑमिट करता है, नहीं बताता है, नहीं इन्फॉर्म करता है, तो ये पोर्सन फिर किस सेक्शन में लायबल होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन वन, सेक्शन 202 ऑफ इंडियन पिनल कोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड पब्लिक सर्वेंट में कौन कौन पोर्सन इंक्लूड होंगे। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है जो मिलिट्री के ऑफिसर होंगे कमांडेड, वो पब्लिक सर्वेंट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि जो भी जज हैं, जो एम्पावर्ड हैं एडजुडिकेटरी फंक्शंस को देखने के लिए वो। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है जो भी कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऑफिसर होंगे। तो ये तीनों ही हमारे पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर, ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 29A ऑफ IPC किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थ्री, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक सोल्जर है जो कि एक मोब पर फायर करता है क्योंकि उसके सुपीरियर ऑफिसर ने उसको ऑर्डर दिया था, वो अपने उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए मोब के ऊपर अटैक करता है। तो यहाँ पे ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है, ये डिफेंस उसको किस सेक्शन में मिलता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन वन, सेक्शन 76 में ये डिफेंस मिलता है इस ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस केस में प्राइवेट डिफेंस का राइट इतना एक्सटेंड हो सकता है कि किसी की डेथ भी की जा सकती है, तो इसमें ऑप्शन है फर्स्ट रॉबरी में, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट में, मिसचीफ बाय फायर कमिट किया है किसी बिल्डिंग पे जो कि ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज़ होती है। तो इन तीनों केस में एक पर्सन अपने प्राइवेट डिफेंस को इतना एक्सटेंड कर सकता है कि वो किसी की डेथ कॉज कर दे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर, ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बात करते हैं कि अगर किसी पर्सन ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट वेजिंग वॉर किया है या इसका अटेम्प्ट किया है तो वो कितना पनिशेबल है, मतलब उसकी पनिशेबल कितनी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन टू, डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विद फाइन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ग्रीवियस हर्ट का काइंड नहीं है, तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन थ्री है डिसफिगरेशन ऑफ द हेड ऑफ फेस, ये ग्रीवियस हर्ट का काइंड नहीं है, बाकी के बचे हुए तीन ग्रीवियस हर्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अपनी फिस्ट को शेक करता है इस इंटेंशन से और इस नॉलेज से कि ऐसा करने से वो जेड को ये बिलीव दिलवा रहा है कि वो उसे हर्ट करने, स्ट्राइक करने जा रहा है, उसको कुछ उसके साथ ऐसा एक्ट करने जा रहा है। तो यहाँ पे ए ने क्या ऑफेंस किया है, तो यहाँ पे जो ए का एक्ट है कि उसने फिस्ट अपनी शेक करी है इस इंटेंशन से कि जेड को ये बात का बिलीव हो जाए कि उसके ऊपर हमला होने जा रहा है, तो ये कहा जाएगा कि ए ने असॉल्ट कमिट किया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ने अपना घर बी को 12,000 रुपये ईयरली रेंट पर दिया है, रेंट पर देने के बाद 2015 का, 2016 का और 2017 का रेंट ड्यू है, अनपेड है, जो कि अभी तक पे नहीं करा गया है। तो ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया 2018 में सिर्फ 2016 के रेंट के लिए। तो अब ये पूछते हैं कि क्या एक बार 2018 में 2016 के जो रेंट था उसके सूट फाइल करने के बाद
क्या वो दोबारा से सूट फाइल कर सकता है 2015 और 17 के रेंट के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, नहीं कर सकता। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 10 ऑफ CPC किस बात से रिलेटेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, सूट स्टे ऑफ सूट्स। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 96 ऑफ CPC किस अपील की बात करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी पर्सन ने पब्लिक न्यूसेंस कमिट करी है तो उसका ये ऑफेंस के लिए, उसके पब्लिक न्यूसेंस के ऑफेंस के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट में वो कहते हैं कि वो लायबल होगा IPC में। सेकंड में वो कहते हैं कि उसके अगेंस्ट सूट फाइल किया जा सकता है 91 ऑफ CPC के अकॉर्डिंग। थर्ड वो कहते हैं कि उसके अगेंस्ट डैमेजेस का सूट फाइल किया जा सकता है। तो अगर किसी पर्सन ने पब्लिक न्यूसेंस करी है तो उस पर ये तीनों चीज़ें की जा सकती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का टाइम होता है 30 डेज, जिसको और आगे 90 दिन तक एक्सटेंड किया जा सकता है, तो ये 90 दिन किस दिन से काउंट होंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, जिस दिन समन की सर्विस होगी डिपेंडेंट को, वहाँ से ये 90 दिन काउंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा किस पर अप्लाई नहीं होता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पर रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस ग्राउंड पर प्लेंट को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, जो कि बात करता है कि अगर प्लेंट ऐसी कोर्ट के सामने फाइल किया है जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, तो इस केस में प्लेंट रिजेक्ट नहीं होगा, बल्कि अगर किसी कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है और अगर आपने वहाँ पे प्लेंट फाइल कर दिया है तो वो कोर्ट रिटर्न करेगी, रिजेक्ट नहीं करेगी। तो इसका जो ऑप्शन 2 है ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सेक्शन डील करता है पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, सेक्शन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर 32 ऑफ CPC में क्या बात की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, सूट बाय और अगेंस्ट माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर कोई राइट या लाइबिलिटी स्टैट्यू से क्रिएट हुई है तो इनमें से कौन सी सिचुएशन जो कि ऑप्शन में दी गई है वो करेक्ट होगी? तो इसके फर्स्ट ऑप्शन में बात करते हैं स्टैट्यू ने इस जो भी राइट या लाइबिलिटी क्रिएट करी है तो इस राइट या लाइबिलिटी के लिए एक स्पेसिफिक फॉरम बनाएंगे जो कि इन राइट और लाइबिलिटी की इन्फोर्समेंट कराएगा। सेकंड ऑप्शन है कि अगर स्टैच्यू में कोई मशीनरी प्रोवाइड नहीं की गई है कि ये कहाँ इन्फोर्स होंगे, तो फिर ये सिविल कोर्ट में इन्फोर्स कराए जा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है CRPC के किस सेक्शन में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपॉइंटमेंट के प्रोविजन दिए गए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, सेक्शन 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर सेक्शन 133 ऑफ CRPC में रिमूवल ऑफ न्यूसेंस के ऑर्डर हुए हैं तो इनमें से कौन कंपिटेंट है इस तरह के कंडीशनल ऑर्डर को पास करने के लिए? तो इसका आंसर होगा ये सभी। कौन कौन? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो ये तीनों इस तरह के ऑर्डर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 133 ऑफ CRPC। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 498A ऑफ IPC में कॉग्निजेंस कब लिया जाएगा, मतलब किस किस तरीके से कॉग्निजेंस लिया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब पुलिस रिपोर्ट पर भी, अगर विक्टिम ने कंप्लेंट करी है तो भी, और अगर विक्टिम के ब्रदर सिस्टर या पेरेंट्स ने कंप्लेंट करी है तो भी कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, जो कि डील करता है कि एक कन्विक्शन बेस्ड हो सकती है ऐसी एविडेंस पर जो कि पार्टली एक मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड करी हो और पार्टली किसी और मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड करी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कितनी सेंटेंस पास कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, अप टू 7 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी पर्सन को रीज़न टू बिलीव है कि उसे किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया जा सकता है तो वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है किस सेक्शन के अंदर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, सेक्शन 438
ऑफ सीआरपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कंपिटेंट नहीं है सेक्शन 106 का ऑर्डर पास करने के लिए, और सेक्शन 106 होता है सिक्योरिटी लेना, पीस को मेंटेन करके रखने के लिए, तो इनमें से कौन इस तरह के ऑर्डर पास नहीं कर सकता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इस तरह का ऑर्डर पास नहीं कर सकते, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, एडिशनल सेशन जज और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इस तरह का ऑर्डर पास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्ट की पावर एक समन केस को वारंट केस में बदलना कहाँ दिया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, सेक्शन 259 ऑफ सीआरपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकॉम्प्लिस को पार्डन देना ये प्रोविजंस कहाँ पर दिए गए हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, सेक्शन 306 ऑफ सीआरपीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए को ट्राई किया जा रहा है मर्डर के लिए कि उसने बी का मर्डर किया है उसको क्लब से मार मार के, जिससे उसकी डेथ हो गई है, तो इनमें से कौन से फैक्ट इशू होंगे। तो इसका आंसर होगा सभी, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है कि ए ने बी को क्लब से मारा है, सेकंड ऑप्शन है कि ए ने बी की डेथ कोज करी है इस बीटिंग से, थर्ड है कि ए की इंटेंशन थी बी की डेथ कोज करने की इसके, तो ये सभी इशू बनेंगे इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाहता है कोर्ट ए के फेवर में ये जजमेंट पास करे कि जो लैंड बी के पोजीशन में है वो उस पर जो हक है वो ए का है, पर बी इस तरह के सभी एलिगेशन जो ए लगा रहा है उसको डिनाई करता है, तो सेक्शन 101 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ को प्रूव करने का कि ये लैंड ए की है किसके ऊपर होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, ए को इन सभी फैक्ट की एग्जिस्टेंस को कोर्ट के सामने प्रूव करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक स्टेटमेंट को रेलेवेंट मानने के लिए सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं उस स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दी अबव, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जब ये स्टेटमेंट उस पर्सन की जिसने ये कही है उसकी कोज ऑफ डेथ से रिलेटेड हो, उसकी मरने के कारण से रिलेटेड हो। सेकंड ऑप्शन है जब ये स्टेटमेंट एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। थर्ड है जब ये स्टेटमेंट कही गई है किसी विल या डीड में जो कि फैमिली अफेयर्स से रिलेटेड है। तो इसका आंसर होगा ये सभी ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 27 को अगर अप्लाई करना है तो उसके क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, ए एंड बी बोथ, जिसमें ए डील करता है कि एक पर्सन जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो एक्यूज्ड होना चाहिए किसी ऑफेंस में, सेकंड है कि ये पर्सन पुलिस की कस्टडी में होना चाहिए। तो सेक्शन 27 की यही रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि डिस्कवरी स्टेटमेंट से रिलेटेड हैं, कि जो भी पर्सन कोई डिस्कवरी कर रहा है किसी चीज़ की, कोई ऑब्जेक्ट डिस्कवर करके दे रहा है जिससे उसने वो ऑफेंस कमिट किया है, तो वो पर्सन जो इस तरह की डिस्कवरी कर रहा है वो एक्यूज्ड होना चाहिए और वो पुलिस कस्टडी में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोर्ट अपनी ओपिनियन फॉर्म करना चाहती है किसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के ऊपर, तो सर्टिफाइंग ऑफिसर की जो ओपिनियन है इस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पर वो क्या होगी। तो वो रेलेवेंट होगी, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई फैक्ट किसी एक्यूज्ड की नॉलेज में है तो उस फैक्ट को प्रूव करने का बर्डन किसके ऊपर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, एक्यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्बैंड और वाइफ दोनों कॉम्पिटेंट विटनेस हैं एक दूसरे के अगेंस्ट किन प्रोसीडिंग्स में, किन केसेस में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस में हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के अगेंस्ट कॉम्पिटेंट विटनेस माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउरी डेथ से रिलेटेड प्रिजम्पशन कहाँ पर दी गई है इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, सेक्शन 113B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला 1885 ये केस लॉ किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, कंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, बोथ ए एंड बी। ए में दिया गया है कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कोई ऐसे एक्ट्स और रिकॉर्ड्स हैं जो कि सॉवरन अथॉरिटी से रिलेटेड हैं। सेकंड ऑप्शन है
कोई पब्लिक रिकॉर्ड है जो कि स्टेट के प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स में है, तो इसे भी आप पब्लिक डॉक्यूमेंट ही कहेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने बी के 1,000 रुपये देने हैं, पर ये डेट जो है बार्ड बाय लिमिटेशन है, जितना लिमिटेशन था इस सूट को फाइल करने का वो निकल चुका है। अब ए जो है एक रिटर्न प्रॉमिस करके देता है बी को 500 रुपये का इस डेट के लिए, तो ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट उसने साइन करके दिया ये क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। चाहे भले ही अब यहाँ पे ये लिमिटेशन पीरियड निकल चुका हो, तो जितना अमाउंट अब लिख कर दिया है जो कि 500 रुपये है, तो इसको अब ये बी क्लेम कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एग्री हुआ बी का हॉर्स बाय करने के लिए, पर पता चला कि जब इनका बार्गेन चल रहा था इस हॉर्स को लेने के लिए, उस टाइम हॉर्स मरा हुआ था, पर किसी पार्टी को कोई इस फैक्ट की नॉलेज नहीं थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन वन, इस तरह का एग्रीमेंट जिसमें कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था कि जब एग्रीमेंट फॉर्म हुआ था, तो इस तरह का एग्रीमेंट वॉइड होगा। आंसर होगा ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने बी को एम्प्लॉय किया यानी हायर किया कि वो सी को मारेगा, और जो भी कॉन्सिक्वेंस होंगे इस मारपिटाई के वो ए भुगतेगा, ए इंडेमनीफाई करेगा बी को। अब बी ने ये एक्ट कर दिया ऐसा कहने पे, जब उसने ये एक्ट किया तो उसके बाद सी ने उस पर डैमेजेस का सूट फाइल किया, जिस पे बी ने सी को डैमेजेस भी पे किए। तो अब नीचे दिए गए ऑप्शंस में से क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थ्री। यहाँ पे भले ही ए ने बी को एम्प्लॉय किया था कि वो सी को मारे और वो सारा भुगतान करेगा, पर ए लायबल नहीं होगा बी के इस एक्ट को इंडेमनीफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने नेचुरल लव और अफेक्शन में प्रॉमिस किया उसके बेटे बी को कि वो उसे 1,00,000 रुपये देगा, जो कि उसने रिटर्न और रजिस्टर किया, तो ये क्या फॉर्म करेगा? तो ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करेगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रपोजल को प्रॉमिस में कन्वर्ट करने के लिए एक्सेप्टेंस किस तरह की होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थ्री, मतलब कि ये एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड होनी चाहिए और यूजुअल और रीजनेबल मैनर में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्ट फीस एक्ट में डॉक्यूमेंट जो म्यूनसिपल कोर्ट में फाइल किए जाते हैं उनकी फीस कौन से सेक्शन में दिए गए हैं ये प्रोविज़न? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सेक्शन सिक्स में ये प्रोविजन्स दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑर्डर जो कि कंपनसेशन से रिलेटेड है उसके अपील के मेमोरेंडम की फ़ीस कौन से सेक्शन में दी गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सेक्शन एट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्ट फीस एक्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स को एग्जेम्प्ट किया गया है फीस के लिए, उनमें क्या इंक्लूड होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रिटन स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोर्ट पार्टीज को रेफर करती है अपने डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी के अकॉर्डिंग, तो प्लेंटिफ एंटाइटल है कि उसने जितनी कोर्ट फीस अपने उस प्लेंट में लगाई है उसको रिफंड करने के लिए, ये किस सेक्शन में दिया गया है? तो ये दिया गया है हमें सेक्शन 16 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट में। इसका आंसर होगा ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 35 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट फीस को रिमिट कर सकती है जहाँ पे प्लेंटिफ की एनुअल इनकम 25,000 से ज़्यादा नहीं है, तो किन लोगों को कोर्ट एग्जेम्प्ट करेगी? तो ये होंगे मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एंड वुमेन। तो ये ऑप्शन 1, 2, 3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। ये थे हमारे छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज 2019 के फर्स्ट 50 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दैट पेपर। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।